हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन क्या था। देखिए, गॉस थ्योरम सबसे पहले तो गॉसियन सरफेस पर लगता है। गॉसियन सरफेस क्या होता है? एक ऐसा सरफेस जो चारों तरफ से इनक्लोज्ड हो। अगर इनक्लोज्ड नहीं भी होगा तो हमको इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि वो इनक्लोज्ड है, क्योंकि जब तक सरफेस आप इनक्लोज्ड नहीं लोगे तो आप वहां पर गॉस थ्योरम नहीं लगा सकते हो कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड बाई एनी सरफेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाई द सरफेस। दैट मीन्स फाई ई इज इक्वल्स टू Q/ε0। ठीक है, तो इस तरीके से आपको गॉस थ्योरम पता होना चाहिए। तो चलिए, पहला एप्लीकेशन हम लोग देख चुके हैं कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। अब इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज, यानी एक सिंगल एटम का प्लेन सीट है, यानी बहुत ही पतला है। इतना पतला वो सीट है कि वो सिर्फ सिंगल लेयर का है, यानी सिंगल लेयर्स ऑफ एटम से बना हुआ है। तो उस इनफाइनाइट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हम लोग इसको निकालने जा रहे हैं बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, यानी विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम लोग इसको निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग को भाई इमेजिनेशन करना पड़ेगा, कुछ कंसिडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इसके लिए हम लोग एक प्लेन सीट, पतला सा सीट एक कंसीडर करेंगे मेटल प्लेट का। तो इसके लिए हमने देखिए लिखा हुआ है, वी कंसीडर अ थिन इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज विथ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। यानी यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि पर यूनिट एरिया जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो आपका सिग्मा है। ठीक है, वी वॉन्ट टू कैलकुलेट इट सरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। इस प्लेन सीट से आर डिस्टेंस पर हम लोग एक पॉइंट पी कंसिडर करेंगे और उसी पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बताना रहेगा। अब देखिए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ टू फॉर्म अ गॉसियन सरफेस ऑन द थिन सीट वी चूज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड लेंथ 2r विथ इट्स परपेंडिकुलर टू द शीट। अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं एक एक बात का मतलब समझाऊंगा ताकि आप अच्छे समझ पाओ। अब देखिए, प्लेन सीट जो है भाई, अगर आप ध्यान से देखो, अभी हम लोग प्लेन सीट को मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तो वो क्लोज तो होता नहीं, और हमको पता है कि अगर हमको गॉस थ्योरम यूज करना है तो क्लोज होना चाहिए सरफेस। तो सरफेस क्लोज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इमेजिनेशन करके एक सिलेंडर बनाएंगे। अब देखिए कैसे बनाएंगे, समझिए। देखिए डायग्राम में ऑलरेडी बनाया हूँ, ये हमारे पास एक मेटल प्लेट सीट है, ये सिंगल लेयर्स ऑफ एटम से बना हुआ, यानी सिंगल लेयर्स ऑफ एटम का मतलब होता है बेटा कि एक के ऊपर एक लेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंगल होने चाहिए, एक यहाँ है तो एक यहाँ है तो एक यहाँ, एक यहाँ, यानी अगल बगल में है। वैसे देखिए, मैं बनाए भी हूँ प्लस प्लस करके, एटम्स को दिखाया हूँ। अब देखिए, यहाँ पर हमको गॉस थ्योरम लगाना है, तो सबसे पहले तो हमको इसको क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप क्लोज नहीं करोगे तो गॉस थ्योरम तो आप लगा नहीं सकते हो। तो उसके लिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, एक इमेजिनेशन करके एक सिलेंडर बनाएंगे। जैसे कि एक प्लेन सीट आप मान लीजिए, तो एक सिलेंडर इधर बनाएंगे और सेम वैसे एक सिलेंडर इधर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सिंगल लेयर ऑफ एटम से बना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको एक साइड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो एटम है वो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक इमेजिनेशन करके एक सिलेंडर बना लिए, यानी ये सिर्फ इमेजिनरी सिलेंडर, इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, इस इमेजिनरी सिलेंडर पर एक पॉइंट हम लोग एंड पर पी लिए हैं, और इसी पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो इधर भी पी होगा, तो इधर भी समझ लीजिए पी होगा। अब देखिए, प्लेन सीट से जो पी पॉइंट का डिस्टेंस, उसको हमने स्मॉल आर कंसीडर किया हुआ है, और इधर भी स्मॉल आर कंसीडर करेंगे, क्योंकि बोथ साइड हम लोग सेम डिस्टेंस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। समझ में आ रहा है? अब कुछ पॉइंट्स को आप समझ लीजिए। देखिए, आप पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होता है, और एरिया वेक्टर भी आप पढ़ चुके हो। मैं बेसिक्स के पिछले वीडियोस में बताया हूँ, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि एप्लीकेशन पढ़ने के पहले आपको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सीट। तो अगर आप देखोगे, तो अगर हम लोग प्लेन सरफेस का बात करें, तो अगर इस साइड का अगर हम लोग बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जीरो है, यानी एंगल जीरो होगा, यानी कॉस जीरो का वैल्यू वन होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप इस सिलेंडर के परपेंडिकुलर बात करो, तो परपेंडिकुलर अगर आप बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा और एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, सॉरी उल्टा में बोल दिया, एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर बनेगा और इधर तो कोई
आपका चार्ज है नहीं, अगर प्लेन सीट का बात करोगे ऐसे आपको देख के लग रहा होगा इधर चार्ज है, लेकिन ये तो सिंगल लेयर्स ऑफ एटम से बना हुआ ना, इतना पतला सीट है कि ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसका नहीं बनेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का यहाँ पर अगर आप एंगल देखोगे तो आपको 90 डिग्री बनेगा, यानी सिलेंडर के परपेंडिकुलर कोई इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा, नीचे भी नहीं बनेगा, सिर्फ इस साइड बनेगा और इस साइड बनेगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इस बात को मैं एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ, तो आगे चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस बात को मैं लिख भी दिया हूँ, ऑन द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई एंड एन के पार परपेंडिकुलर टू ईच अदर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। आपको पता है कि कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है, ठीक है, अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। देयर फॉर फ्लक्स थ्रू कर्व सर्फेस एरिया जीरो, यानी ये जो सिलेंडर है उसके कर्व सर्फेस एरिया पर, यानी यहाँ पर एक बार फिर से डायग्राम देखिए, ये कर्व सर्फेस एरिया की वजह से इधर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। आगे का अगर हम लोग बात करें, फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस ई ए प्लस ई ए इक्वल्स टू टू ए, अगर ये फ्लैट सरफेस का बात करें यानी इस साइड ये जो सरफेस है यहाँ पर इसके वजह से और उधर भी है और इधर भी है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, ई ए, ई मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और ए क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग ए माने थे ना, तो क्रॉस सेक्शन एरिया हमने ए माना है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमने ई माना है, तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा ई ए इस साइड बनेगा, ई ए इस साइड बनेगा, तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो कितना बनेगा, टू ई ए बनेगा, ठीक है। तो उसी बात को मैं यहाँ पर इक्वेशन वन करके लिख दिया हूँ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द इंटायर सर्फेस ऑफ सिलेंडर को अगर हम लोग फाइव ई से डिनोट करें तो ये ई ए, ई ए मिलकर कितना हो जाएगा, टू ई ए हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया, नॉर्मल हम लोग जो पढ़े हैं यहाँ पर अभी हम लोग गॉस थ्योरम नहीं लगाए, अब गॉस थ्योरम के हिसाब से देख लेते हैं। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर, अब देखिए इस जो हमने ये सिलेंडर इमेजिनरी माना था इसमें टोटल कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, तो देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग सिग्मा माने थे और क्रॉस सेक्शन एरिया यानी ये जो एरिया हमने बनाया है डायग्राम में, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, इसका एरिया हमने ए माना है, तो यहाँ पर यूनिट एरिया में चार्ज कितने हैं, सिग्मा है, तो टोटल एरिया में कितना हो जाएगा, सिग्मा ए हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप सिंपल मैथ के हिसाब से समझिए, मान लीजिए एक पेन का प्राइस 5 रुपीज़ है, तो मैं पूछूं 7 पेन का प्राइस बताओ तो आप क्या करते हो, 7 में 5 को मल्टीप्लाई करके बोल देते हो 35 होगा। वैसे ही अगर यूनिट सर्फेस एरिया में सिग्मा है तो टोटल सर्फेस एरिया में कितना होगा, यानी एक में सिग्मा है तो ए में कितना होगा, सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई द सिलेंड्रिकल सर्फेस कितना हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए हो जाएगा। अब देखिए अगर अब हम लोग गॉस थ्योरम लगाएं तो गॉस थ्योरम भी मैं आपको स्टार्टिंग में बताया, गॉस थ्योरम क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब इस क्यू का वैल्यू हमने निकाला है कितना है, सिग्मा इंटू ए है, तो सिग्मा इंटू ए इसके जगह हमने रख दिया और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसी डायग्राम के लिए इसी कंडीशन के लिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉर्मल के हिसाब से हम लोग जो पढ़े हैं वो इतना आ रहा है और गॉस के थ्योरम के हिसाब से इतना आ रहा है, तो भाई ये तो दोनों सेम होना चाहिए ना। तो अगर हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को चेक करें तो लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो राइट साइड इक्वल होना चाहिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे राइट साइड को भी आपस में इक्वल रख देंगे, ठीक है। यहाँ तक आप पॉज करके नोट कर लीजिए, और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये सारे नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, वही इक्वेशन 1 2 को इक्वेट किए तो राइट साइड पहले इक्वेशन में 2 ए था, सेकंड इक्वेशन में सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, सिंपली आप यहाँ पर ए कैंसिल आउट कर सकते हो, अगर ए कैंसिल आउट हो गया तो 2 ए इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इज इक्वल टू 2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी प्लेन सीट यानी कोई भी पटला अगर मेटल का सीट है उसके वजह से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बताना चाहें कि क्या होगा तो इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। नॉर्मल भी आप इसको निकाल चुके हो बट यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं गॉस थ्योरम की हेल्प से निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर समझ में आ रही है, क्या आ रही है, यहाँ पर आर गायब है, आर क्या था, वो डिस्टेंस था मतलब जो आपने पॉइंट कंसिडर किया था उस पॉइंट का उस मेटल सीट से डिस्टेंस था कि कितना दूरी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ पर कितना इंटरेस्टिंग बात समझ में आ रहा है कि ये आर से इंडिपेंडेंट है, मतलब आप जो पॉइंट पी कंसीडर कर रहे हो वो मेटल सीट से कितना दूरी पर है उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। इस बात को देखिए मैं लिख भी दिया हूँ, फ्रॉम अबव इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन चार्ज सीट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सेम होगा चाहे आप 1 मीटर की दूरी से
चेक करो, या 2 मीटर की दूरी पर चेक करो, या 100 मीटर की या 1000 मीटर की दूरी पर आप चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनफाइनाइट प्लेन सीट के वजह से वहाँ पर क्या होगा, हमेशा ही सेम मिलेगा। तो इस तरीके से आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग भी था और आपको मज़ा भी आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक वीडियो तुरंत पहुंच जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो तीसरा एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का वो देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।